हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक झा स्टडी मस्ती पर, और मैं हूं दीपक झा। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि मैं हर वीडियो में आपको, यानी कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैं वीडियो लाते रहता हूं। ऐसा मैं हर वीडियो में कर रहा हूं, क्योंकि उनका एग्जाम जो होने वाली है वो एग्जाम अपना आसानी से निकाल ले। तो मेरा यही मानना है कि दोस्तों जो भी मैं वीडियो दे रहा हूं, जो भी मैं आपको वीडियो में क्वेश्चंस बता रहा हूं, और आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा सोशल साइंस का, और फिलहाल मैं भी सोशल साइंस का ही वीडियो दे रहा हूं, क्योंकि सोशल साइंस का क्वेश्चन जो भी मेरे पास आया है उससे छाट करके जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा जो भी वीवीआई क्वेश्चंस है मैं आपके बीच रख रहा हूं, ताकि आपका एग्जाम आसानी से निकल जाए। तो इसके लिए आप अपने पास, हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में कह रहा हूं कि अपने पास एक नोट को भी रखिए, और जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसको आसानी से आप नोट कीजिए, और नोट करने के बाद उसको आसानी से आप क्या कीजिए, याद कीजिए। तभी संभव हो पाएगा, नहीं तो संभव नहीं हो पाएगा। आपका एग्जाम निकले ना निकले इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक्चुअली अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपका एग्जाम कहीं नहीं जाने वाला है, आपका एग्जाम आपके हाथों में है। इसके लिए आपको करना होगा मेहनत। तो दोस्तों देखिए, बिना समय का आपको ले चलते हैं, बताते हैं आज का हमारा क्वेश्चंस क्या होगा, और आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसके लिए वीडियो आपको बनना होगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आप उसको देखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, हमारा ऑप्शन है फर्स्ट जमशेद जी टाटा ने किए थे, या भीमा शाह ने किए थे, बिरला ने किया था, या धीरू भाई ने किए थे। तो आपको पता होना चाहिए, नाम से भी तो मिलता है ना, नाम से भी मिल रहा है। आप थोड़ा सा केयर कीजिए, क्वेश्चन को बारीकी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना जो की थी वो की थी जमशेद जी टाटा ने। कौन किए थे? जमशेद जी टाटा ने ही किए, ठीक है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर टू होगा, व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार नीति किस देश में अपनाई गई थी। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति किस देश ने अपनाई थी। मुक्त व्यापार होना चाहिए, बिना कर के, बिना टैक्स के मुक्त व्यापार करो, और उसकी नीति सबसे पहले किन देशों ने की थी और किन देशों ने अपनाई थी, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ऑप्शन फर्स्ट है फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन है इंग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, और चौथा ऑप्शन क्या है, रूस। तो यहाँ हमारा ऑप्शन टू होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। इंग्लैंड जो है, यानी इंग्लैंड जो है उसमें व्यापार को, व्यापार था इंग्लैंड में, उस व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम की गई थी, मुक्त कर दिया गया था। वहाँ की व्यापार की जो व्यापारिक जो लोग थे, जो व्यापार करते थे, उसको मुक्त कर दिया गया था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। और कोई कर और कोई टैक्स लागू नहीं किया गया था, मुक्त व्यापार था, फ्री माइंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, और मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में एलगिन मिल की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, 1950 में, 1955 में, 1960 में, या 1965 में। तो कानपुर में एलगिन मिल की स्थापना 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में की गई थी, ठीक है। कानपुर में एलगिन मिल की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में, 1920 में, 1921 में, या 1922 में। मैं आपको बता दूं, 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की गई थी, जो कि 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 1920 में, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दो बार तीन बार रीड जरूर कीजिएगा, आसानी से आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव का था, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी, ठीक है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? 1850 में, 1860 में, 1865 में, या 1870 में, ठीक है। तो लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी वो 1850 में की गई थी। लंदन में अनिवार्य श्रमिक शिक्षा 1850 में लागू की गई थी, याद कर लीजिएगा, ठीक है। यानी लंदन में जो प्राथमिक शिक्षा जो उससे पहले नहीं था वो कब किया गया था? 1850 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई थी। भारत में कौन सा बैंक? सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1910 में, 1911 में, 1912 में, या 1913 में। तो भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1911 में, ठीक है। ऑप्शन टू होगा, 1911 में किया गया था भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की, ठीक है। भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की गई? 1920 में की थी, या 1921 में, 1923 में, या 1925 की है। भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति जो की थी 1921 में की थी। अब की थी
1921 में ही की थी, जो कि भारत सरकार राजस्व आयोग की नियुक्ति 1921 में किया गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित किया गया था, जबकि भारत में ही किया गया था, तो कब किया गया था, 1924 में, 1948 में, 1925 में, 1949 में। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी जो कानून पारित किया गया था वो किया गया था 1948 में। 1947 में भारत आजाद हुआ, ठीक उसके अगले साल 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जो था उसको पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब पारित हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब पारित हुआ, 1838 में, 1839 में, 1840 में, 1841 में। तो 1839 में इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन को पारित किया गया था, वो कब, 1839 को पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई, 1960 में, 1962 में, या 1964 में, या 1966 में। तो भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1962 में की गई थी। कब की गई थी, 1962 में की गई थी, याद कर लीजिएगा। भारत में जब भी राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की बात आती है तो 1962 जरूर याद होता है, क्योंकि इस पे ये 1962 चाइना युद्ध भी हुआ था, उसी टाइम राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैं 10 क्वेश्चन बताया, और जैसा कि आपको पता है कि मेरी वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही मैं आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए इस चैनल में बने रहिए, और चैनल को अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस पर आपको जो वीडियो आने वाला रहेगा वो आप तक सबसे पहले पहुँच, बेल आइकन प्रेस करना होगा, उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा कोई भी वीडियो का। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो एजुकेशन संबंधित या मोटिवेशनल वीडियो आते रहते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे, और अपने काम को आप कीजिएगा पूरा। इसके लिए लाइफ ओवर सेट करना ही पड़ेगा, और अगर आप लाइफ सेट करना चाहते हैं तो इस चैनल पर जुड़ करके मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा, और अपना आपका लाइफ जरूर सेट होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।